नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में आप सबका स्वागत है। तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है एक्चुअली आज के दिन, और बच्चे तो गए हैं स्कूल, एक स्कूल एक यूनी, और मेरी सासू माँ को लेके मेरे हस्बैंड उनके रेगुलर चेकअप के लिए गए थे, आई चेकअप के लिए। तो घर खाली था, जो कभी नहीं होता मेरे साथ, कभी कभार शायद, बट यूजली नहीं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि घर खाली हो और मैं अकेले हूँ घर में। तो चाय लेके बैठी थी, गाने सुन रही थी, किसी की रोक टोक नहीं थी, कोई बोलने वाला नहीं था कि अरे वॉल्यूम कम करो भाई, क्या सुन रही हो बेकार के गाने, ये गाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो पता नहीं क्या पसंद है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो कोई भी गाने उनको पसंद नहीं आते, कोई भी लगाओ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, उसको रिवाइंड करेंगे, मुझे ये सब कम पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखिए, अगर मैंने लता मंगेशकर के गाने लगाए, ठीक है एक गाना बहुत पसंद है, दूसरा शायद कम पसंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सुनूंगी नहीं, उसको भी सुन लूंगी, क्योंकि तीसरा गाना अच्छा होगा, नहीं तो चौथा गाना अच्छा होगा, लेकिन मैं रिवाइंड फॉरवर्ड ये सब नहीं करती, मुझे बड़ी परेशानी होती है। मुझे लगता है स्मूथली चलने दो यार, सिर्फ चलने दो गाने को, सुनो शांति से। एनीवेज, तो मैं आराम से बैठी थी, तो मुझे एक अजीब सा सुकून और सुकून मिल रहा था, एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे कि फुर्सत, जैसे कि कुछ करना नहीं है, जैसे कि कोई, जैसे कि फ्रीडम, आजादी, ऐसी सी फीलिंग आ रही थी। विचार में आया कि जब मेरी शादी होकर मैं आई थी घर में, इस घर में, तो जैसा आप जानते हैं, जितना आपने सुना है, तो मेरी सास मेरे साथ ही रहती थी हमेशा। तो ऐसे जो फुर्सत के पल थे, बहुत ही मुश्किल होता था मेरे लिए पापाना, क्योंकि घर तो हमारा छोटा ही था इंडिया में, ऊपर से मैं तो फुल टाइम काम करती थी, तो मंडे टू सैटरडे, वहाँ तो सैटरडे छुट्टी नहीं होती थी, सिर्फ संडे मिलता था, और उस संडे में भी सब घर पे होते थे, तो वो जो रिलैक्सेशन, वो जो फुर्सत होती है, वो जो शांति होती है, वो कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि थी ही नहीं। लेकिन उसमें भी कभी कभी क्या, हर संडे एक्चुअली कुछ टाइम के लिए मैं फ्रीडम महसूस कर पाती थी, क्योंकि मैंने ये रूटीन बना लिया था कि भाई, एंड आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इट। तो पहले क्या था कि भाई हर हफ्ते की जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे, तो उस वक्त सास मेरी तंदुरुस्त थी, तो उनको भी हर जगह जाना ही होता था, तो मैंने सोचा कि ये सारे लोग क्यों जाते हैं सब्जी लेने, मैंने ऑप्ट आउट कर दिया। काफ़ी परेशानी हुई मेरे हस्बैंड को कि क्यों नहीं चलो ना, ये वो, मैंने कहा नहीं यार मुझे घर पे रहने, तो मैं घर का ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, ऐसा ऐसा करके मैंने आई ऑप्टेड आउट। तो हर संडे मेरे पति देव और सासू माँ जाते थे सब्जी लेने हफ्ते की, और मैं घर पे अकेले, कोई चोरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, लेकिन वो जो फ्रीडम की फीलिंग है वो तभी आती थी। इससे ये कोई कहने का मतलब नहीं है कि मुझे सास नहीं पसंद, कि पति नहीं पसंद, लेकिन ये जो छोटे छोटे पल होते हैं फुर्सत के, ये रेयर हो जाते हैं शादी के बाद। और somehow जो लोग हैं वो समझ भी नहीं पाते कि इसकी क्या जरूरत है, उनको ऐसा लगता है कि अरे तुम्हें अकेले रहना है, यानी तुम हमें पसंद नहीं करते हो, या तुमको सरदर्द होता है मुझसे, या फिर परेशानी है कोई, जरूरी नहीं है। ये छोटी छोटी जो खुशियां हैं, जो आप अपना, भाई हर चीज़ आपको, जो आपको पसंद है वो आपके पति को नहीं पसंद, सास को नहीं पसंद, तो आप उस घर में कैसे, आप बहुत बड़ा घर हो जैसे पहले हुआ करता था, भैया हवेली जैसा घर है, तो आप एक कोने में चले गए तो किसी को पता नहीं आप क्या कर रहे हो गए आपके फुर्सत के पल। लेकिन जब छोटा सा ही घर है, हर दीवार आपके मुँह पर चढ़ने को आती है, तो फिर तो कहाँ से आप वो पल खोजोगे। तो ऐसे में जब वो सब्जी लेने जाते थे दोनों, तो मुझे वो जो टाइम होता था घंटे डेढ़ घंटे का, आई यूज़ टू लव इट, आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि दैट वॉज द ओनली टाइम जब मैं रिलैक्स करती थी एक्चुअली। तो आज वो महसूस हुआ मुझे कुछ देर के लिए, क्योंकि कोई नहीं था घर पे, मैं अकेली थी। तो फिर वो गुलजार का गाना याद आया, कौन सा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
बैठे रहे तसव्वुर में जानों किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता। तो फिर फ्लैशबैक में चले गए फिर याद आने लगा बचपन कि कैसे वो दिन थे, हमारे वेकेशंस कैसे जाते थे और कैसे वो फुर्सत के दिन हुआ करते थे, कि किसी बात का कोई टेंशन नहीं, कुछ करना नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी को आना नहीं, किसी को कहीं जाना नहीं, बस फुर्सत ही फुर्सत। अब तो बड़ा ही रेयर हो गया है। मैं तो कहती हूँ गुलजार को दूसरा गाना बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो वो फुर्सत मिलती भी नहीं है, गाना तो उनको सूट भी नहीं होता, कहाँ धूप में पड़ते हैं वो लोग जाके। किस सर्दी की नरम धूप हो आंगन में लेट कर, ऐसा कहाँ होता है, कहाँ का आंगन और कहाँ की धूप और कहाँ लेटे, कहीं नहीं ना। तो गुजार को दूसरा गाना बनाना चाहिए जिसमें वो बताएं कि भाई उनकी आजकल के बच्चों की फुर्सत है कि भाई गेम खेलें या कुछ वीडियो पे देखें या हू नोज। तो मैंने सोचा चलो अपने वेकेशंस को याद किया जाए और थोड़ा आपसे शेयर करूँ कि कैसे दिन हम गुजारते थे स्कूल की छुट्टियों में, जहाँ तक उम्मीद है आप सब भी वैसे ही गुजारते रहे होंगे। तो मेमोरी लेन में वापस चला जाए तो समर वेकेशंस, हम लोग के समर वेकेशंस होते थे तो हमारे कजन्स या चाचा लोग सब हमारे घर आते थे और सब कमरों में तो कूलर लगा नहीं होता था, एक ही जगह कूलर होता था, वो था हम लोग का गैलरी जैसी जो बरामदे जैसी थी, वहीं कूलर होता था। तो रात में सबके गद्दे वहाँ बिछते थे और हम लोग सब लाइन से वहाँ सोते थे, सारे सारे चाचा चाची बच्चे कच्चे सब वहीं सोते थे। सब सवेरे उठ के हमारे पेरेंट्स जो मतलब मदर्स और चाची और मदर चाची लोग जो थे, ये लोग उठ के अपना नाश्ता पड़ता, उनके दिमाग में स्ट्रेस रहता होगा, हम लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उठ के अपना नाश्ते की सोच रहे हैं कि अब क्या बनना है, तो अब क्या करना है, तो अब खाना क्या बनेगा, उनकी यही दिनचर्या। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो लोग भी बहुत इंजॉय करते थे, क्योंकि मेरी चाची और मेरी मदर की काफ़ी जमती थी, वो लोग चौके में बैठ के रोटी ही बेलने में काफ़ी टाइम ऐश कर लेते थे, बातें करना पुरानी बातों को ले लेके, खूब डिस्कशन, दे यूज टू इन्जॉय एज वेल, बट ऑफकोर्स उनके पास ज़्यादा काम होता था, हम लोग तो बस फुर्सत बैठे हैं कहीं खेल रहे हैं कैरम। कैरम की कितनी ज़्यादा गेम्स होते थे, पूरी दोपहर बैठ के कैरम कैरम कैरम, ताश ताश कितना खेला है, लूडो लूडो कितना खेलते थे। फिर शाम पड़ी नहीं कि बाहर निकल के हाइड एंड सीक है, इक्कड़ दुक्कड़ है, फिर सतौलिया यानी सेवन स्टोन्स, ये सब दौड़ा भागी पूरे दिन, धमा चौकड़ी घर में भी एकदम धमा चौकड़ी, गाने बज रहे हैं। हम लोगों को तो बड़ा शौक था, हमें भी और हमारे कजन्स को भी, सबको मिल के बैठ के शोले के कैसेट सुनना, मेरे भाई को और मुझे तो डायलॉग्स रटे हुए थे, कैसेट ऑन किया और एक एक डायलॉग साथ में बोलना, दूर गाँव में जब बच्चा रोता है, अरे बसंती तुम्हारा नाम क्या है बसंती। हर वक्त सुनते रहते थे, क्या दिन थे। सर्दियों की छुट्टी उसमें बस आंगन में बैठे हुए हैं, शायद मटर छिल रही है साइड में या मदर कुछ बिन रही हैं, धूप में बैठे हैं, सर छाया में लेकिन पैर धूप में, नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, किसी को पूछना नहीं, कुछ कहना नहीं, जब तक पढ़ना है पढ़ो, बस कभी कभी बीच में आवाज़ें आती थी, खाना खा लो भाई, खाना बन गया है, खा लो ठंडा हो जाएगा, अभी आते हैं, बस ये लास्ट चैप्टर ये पढ़ के आते हैं। छत की वो सीढ़ी, छत जाते वक्त जो सीढ़ियाँ थी उसमें एक स्पेशल कॉर्नर मेरा होता था, वहाँ बैठती थी मैं, वहीं जाके बैठ के नॉवल पढ़ती थी, एक कप चाय लेके, चाय तो मैंने बहुत टाइम काफ़ी पहले से पीना शुरू कर दिया था, लाइक चाय हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रिंक। तो बैठ के अपना चाय पी रहे हैं और नॉवल पढ़ रहे हैं। मेरी छोटी बहन घर घर खेलती थी, मैंने कभी घर घर नहीं खेला, छोटी बहन घर घर खेलती थी ऊपर छत पे। तो हमारी कॉलोनी में कैसा था कि हमारी छतें जुड़ी हुई थी, तो हमारे पड़ोस में जो रहते थे राय अंकल आंटी, उनकी लड़की मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो दोनों घर घर खेलते थे, वो मिसेज राय वो मिसेज पांडे।
मार छत में डिविजन्स लगा के बांस वांस से और कमरे वमरे बना के मार घर घर खेलते थे। और मेरा भाई उसमें मतलब इस घर से इस कमरे से उस कमरे में ऐसे ही कूद जाए तो काफ़ी परेशान हुआ, अरे भैया वो दरवाज़ा नहीं है, यहाँ से जाना है तुमको, वहाँ से जाना है, तुम हटो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो, पूरे दिन किचपिच किचपिच। फिर क्योंकि सब कजन्स और सब भाई बहन साथ में मिलते थे तो हर शाम पंचायत होना उन लोगों को अपने फ्लैशबैक में जाना, लड़ाई झगड़े करना, वो भी पार्ट था लाइफ का, पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ना सेशन ही होता था हर बजे। हम लोग का तो कैसा था, कजन्स काम तो देखते थे घड़ी की, 7 बजे नहीं कि भाई बहन बैठ जाएंगे चाय के साथ, बहुएं तो साइड में, बहुएं पर्दे की उस तरफ जाके चाय बना रही, नाश्ता बना रही हैं और पर्दे की इस तरफ कैसे नहीं जैसे पंचायत जैसी बैठी है। मेरे फादर बीच में दीवान था उसमें बैठते थे, इधर बड़े फूफा जी, कई बार बड़ी बुआ, बाकी एक एक करके बहुएं दोनों उस तरफ, और जो हमारे चाचा हुआ करते थे, दोनों चाचा। मेरे फादर को आदत थी उनको लेक्चर देने की, कुछ मौका मिले बोलना शुरू कि तुम बेटा ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, इस वजह से ऐसा है, इस वजह से, तो वो तो उस कमरे में ही नहीं बैठते थे, थोड़ी देर बैठते थे उठ के दूसरी जगह चले जाते थे, फिर उठ के दूसरी जगह चले जाते थे, मेरे फादर पीछे 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 उनको लेक्चर दे रहे हैं। तो ये भी एक समर वेकेशन का लुत्फ हुआ करता था। फिर बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता था कि हम VCR हायर करते थे और फिर 4-4, 5-5 मूवियाँ रात भर में देखते थे, उसका कितना मज़ा था, क्या एक्साइटमेंट होता था। मुझे तो अभी भी याद है कि हमारे जो आसपास के फ्रेंड्स थे वो भी जिस दिन हमारे यहाँ VCR आया उस दिन बोल दें कि आज तुम्हारे यहाँ जब मूवी लगे तो हमें बुला लेना, तो हम लोग जाएँ रात को 10 बजे खटखटाने उनके यहाँ, चलो मूवी लगाने जा रहे हैं, फिर वो लोग सब आएँ, फिर हम लोग बैठ के मूवी देखें पूरी रात। मेरी एक कज़िन है, मौसी की लड़की, उसको बड़ा शौक था रात में जगने का, तो जब भी हम मौसी के पास जाते थे तो ये ज़रूर होता था कि रात में जगेंगे, बातें करेंगे, सो तो है, उसके साथ फ्रिज से निकाल निकाल के खाना खाएंगे। तो ये भी बड़ा सेशन हुआ करता था, ये भी हमारे समय वेकेशंस की याद है, बैठ के अपना खा रहे हैं, जैसे कि मिलता नहीं खाना, नॉर्मल सभी कुछ अवेलेबल था, लेकिन बस फ्रिज से चुरा के खाना रात को जब सब सो रहे हैं, तो सवेरे उठ के वो देखे अरे हलवा कहाँ गया, तो पता चला हम और वो खा चुके हैं ऐसी हरकतें करना। फिर रात में थर्मस में ज़्यादा सी चाय बना के छत पे बैठना, गपशप करनी पुलिया पे, कॉलोनी की पुलिया पे, रात के 9 बजे मिलना, टहलना दोस्तों के साथ, एक रूटीन था। सीरियल जो 9 बजे वाला आता था उसको देख के बाहर निकल जाते थे टहलने के लिए, वहां के जो हॉस्टल के लड़के थे उनको छेड़ना, पुलिया पे बैठ के घंटों बात करना, बातों की कभी कमी नहीं होना, मस्त दिन थे वो, लकी थे हम लोग। मैं तो यही कहूंगी कि हमने वो दिन देखे कि अब बच्चों के पास अगेन, फिर जो देखा नहीं उसका कोई उसका कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं, हमें लगता है कि वो मिस करते हैं लेकिन उन्होंने तो वो देखा ही नहीं, तो उनके लिए तो वही है जो है आज, कि अपने घर पे ही रहना, जाना अगर खेलने तो प्ले डे ऑर्गेनाइज होता है, ऐसा नहीं है कि आप पड़ोस में निकले बाहर और पड़ोसी के घर चले गए और खेल के आ गए, क्योंकि वो बच्चा भी आपकी एज का है। यहाँ तो आसपास कोई मेरे बच्चों की एज का भी नहीं है, और जो उनके दोस्त हैं वो थोड़े दूर हैं, तो जो दूर रहते हैं उनके साथ अगर आप स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको समय बिताना है तो पेरेंट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अ प्ले डे, तो बच्चा आएगा आपके घर पूरे दिन रहेगा, या आपका बच्चा उनके घर जाएगा पूरे दिन रहेगा, खेलेगा कूदेगा जो भी वही सब करेगा, लेकिन प्लान्ड है। हम लोग का कैसा था, कोई प्लानिंग नहीं, उठे निकले खेलने लगे, खुद गए 4 लोग और आ गए, साइकिलिंग करना घंटों, बस क्या करते थे, साइकिलिंग का क्या मतलब, बस चक्कर लगाए जा रहे हैं, तो जो पुलिया पे बैठ के बात हो रही है वो साइकिल चलाते चलाते हो रही है, पर बातें करते रहना। सब समय बदल गया है, बहुत बदल गया है, इसीलिए कहती हूँ कि गुलजार को दूसरा गाना बनाना चाहिए जी ये गाना है जो गुलजार का, दिल ढूंढता है फिर वही, तो हमारे लिए आज के बच्चों के लिए नहीं है, तो उनको दोबारा बनाना चाहिए या किसी और को बनाना चाहिए। अब तो फुर्सत से बैठने का मौका ही नहीं मिलता, कभी भी बैठते हैं तो दिमाग में पीछे वो कहते हैं ना गुनगुनी धूप में आंगन में लेटे, तो आजकल वो नहीं होता, धूप निकली बाहर तो लगता है कपड़े धो लिए जाएं क्या, या धूप निकली है तो लगता है
लॉन मोइंग हो जाती तो अच्छा था. समय पलट गया. फिर टीवी आया. जब टीवी आया तो टीवी के सीरियल्स कितने इंटरेस्टिंग होते थे. कैसे सवेरे से बैठ जाते थे संडे के दिन. मेरा तो क्या था, मुझे टीवी देखने का शौक तब भी बहुत था और अभी भी बहुत है. टीवी मतलब एनीथिंग, मूवी और व्हाटएवर द स्क्रीन. तो हम नेटफ्लिक्स देखते हैं. पर तब कैसा था कि सवेरे वो सब सीरियल्स आते थे, जैसे डिफरेंट स्ट्रोक्स है, देन स्टार ट्रेक है. ये सब के समय की बात है. तो स्कूल डेज में तो संडे को ये सब आता था. तो सवेरे उठ के सबसे पहले रिशा रीटा शिखा का पता नहीं क्या ताम झाम आंवला शामला, उसके साथ मेरे बाल धुलते थे. 4 बजे उठ जाते थे, बाल शाल धो के नहा धो के बैठ के होमवर्क. 9 बजे से पहले सारा होमवर्क खत्म. होमवर्क खत्म, उसके बाद किसी की मजाल है जो मुझे टोके टीवी देखने में. कोई नहीं टोक पाता था कि भैया ये तो 9 बजे से बैठी हैं. मेरी मदर कहती थी भाई बैठी है तो क्या करें, काम तो कर चुकी है, अब क्या करें, देखने दीजिए उसको शौक है तो. सारे सीरियल्स देखती थी. शाम को मूवी आती थी 5 बजे से, वो भी कोई भी मूवी हो. कितना चित्रहार के तो दिन ही अलग थे. अब तो गाना मतलब फिंगर टिप्स पे है. पहले तो चित्रहार की कितनी वैल्यू होती थी. चित्रहार देखने का कितना मज़ा आता था. 8 बजे नहीं कि चित्रहार. तो कितने सही दिन हुआ करते थे. ऐसा नहीं कि आज के दिन बुरे हैं, आज के दिन भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन फिर भी जब कभी कभी बैठते हैं तो वो दिन ज़रूर याद आते हैं. और उनको याद करके एक वॉर्म सी फीलिंग आती है अंदर से. मज़ा आता है सोच कर कि वाह क्या दिन थे, क्या ऐश करी है हमने. कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे हमारे. अभी भी हैं वो सब, बट कितनी ऐश करके बैठे हैं हम. चलिए तो होपफुली इस वीडियो से आप सबको अपने बचपन की याद आई होगी. होपफुली आप सबको वो फुर्सत के पल याद आए होंगे जो मैंने याद करने की कोशिश की है. कोशिश ये कि छोटे छोटे पल खुशियों के इकट्ठे करते रहिए. हर वक्त हर घड़ी जहाँ हैं जैसे हैं उसमें ही, तो उसमें ज़िंदगी फटाफट कटती है और पीछे मुड़ के देखने में बड़ा मज़ा आता है. चलिए आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और बात के साथ, किसी और कहानी किस्से के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. सिया.